जो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, हम हमारा उस पेंशन से ही ब्याज देते रहता है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी को इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो आतरज है उस चीज़ को एजैक कर दिया जाता है। उनके लिए जो 60 साल तक उधर रह के वो अपना पूरा सुविधा लिया है, वो पूरा सेटलमेंट हुआ है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहा हूँ उनको जो जो चीज़ें मिल रहा है उसके ऊपर हम दुखी नहीं है, जो इन्होंने काम किया उनको मिल रहा है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो होता है हमारे लिए, जो MSP है, मिलिट्री सर्विस पे बोलता है, MSP का मतलब वो ये होता है, हम जोखिम का एलिमेंट्स होता है, जोखिम में हम खड़े हैं। हमारे एक अधिकारी टेंट के अंदर या ट्रेंच के अंदर या बंकर के अंदर वो सुरक्षित रहता है। हम उस बंकर का सामने हम उनको हिफाजत दे रहा है, उनके पास कोई गोली नहीं पहुँचेंगे, पहले गोली हमारा शरीर को पहुँचेंगी। तब हम उनको बोलता है MSP, मिलिट्री स्पेशल पे, जो किंग अलाउंस, क्योंकि हमारा एक वो जो वर्दी पहन के हम उधर खड़ा होने के लिए हमारे वो मन के वो ये होता है ना, उसी के लिए वो देता है। अब वो क्या करती है, ऑफिसर के लिए वो टेंट के अंदर जो पड़ा है उस ऑफिसर के लिए 15,500, हम बाहर जो कोली के सामने खड़ा है हमारे लिए 5,200। ऐसा क्या होता है कि सिपाही कम पढ़े लिखे होते हैं, ऑफिसर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो सैलरी में इतना भेदभाव किया जाता है? अभी जो 2006 के बाद सेना के अंदर जो भी एंट्री होता है वो 12 क्लास एंड प्लस है, उसी जैसा सेम NDA के अंदर जो अफसर जाता है वो भी बेसिक एजुकेशन, उनका भी 12 एंड एबो है, हमारा भी 12 एंड एबो। लेकिन हमारा ये है, हम सेना में सिपाही बन के जाने की वजह से हमको आगे पढ़ाई करने का मौका फिर नहीं मिल रहा, क्योंकि हम देश सुरक्षा में लगे हैं, हमको 16-16, 18-18 घंटे की ड्यूटी रहता है। लेकिन अफसर ऐसे नहीं है, अफसर को अब उनके अंदर युवा है वो जाने के बाद उनको आगे स्टडी करने का मौका मिलता है, वो अपने 12 क्लास से आगे सरकारी खर्चा में वो पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि उनका ड्यूटी थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि उनका हर चीज़ से सुरक्षित है। लेकिन सेना के अंदर जाने के बाद वो जवान फिर आगे बढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अफसरों के लिए वो भी मुमकिन है, तब जाकर वो जनरल बन जाता है। सेना में जो अपना सिपाही जो आगे अफसर में, अफसर जो अगर एक लेफ्टिनेंट बन के अगर चला जाता है वो 10 साल में जाके जो कैप्टन मेजर जाके कर्नल तक बन जाता है 10 साल में। लेकिन हमारे सिपाही 10 साल में क्या बनता है मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है, वो कुछ नहीं बनता है, रिटायरमेंट 10% आगे निकलता है। उनका बारे में हम बताया था, वो ये हमारे JCO जवान जो भी बता रहा है, जो JCO के लिए जीरो बैलेंस में जो अपना ये टेबल निकल के आ गया, तो ORP के नाम पर हमारे साथ में नैन सेफ हुआ है, सरकार को गुमराह किया गया है। गुमराह करने वाला में जो उसमें एजेंट तो हमारा ऑफिसर है, वो हर तरह से वो हमारा जो मतलब हमको यूज़ किया है, हमारा भीड को सरकार के सामने दिखाने वाला काम उनका पास होता है, जो कि हम उनके पीछे खड़ा रहता है। अब हमारा 28 लाख फौजियों का उनके परिवारों का या 32 लाख फौजी उनके परिवारों का नफरी लेके जाके वो सरकार के सामने रखेंगे, सरकार उनको देखता है। लेकिन हाँ, इस बार हमने उंगार भर दिया, हमारा प्रयत्न तो पिछले 10 साल से थे, इस बार 20 तारीख को 2023 को आपने देखा है UM जंतर मंतर पूरा भर चुका था, लाखों की उसमें कोई अफसर नहीं था, कोई अफसर का संगठन नहीं था, और कन्याकुमारी से लेकर पूरा ऑल हिंदुस्तान से पूरा जवान JCO का संगठन इधर आया, मंच के अंदर आके अपना फ्लैग लगा के जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब से है उनको समर्थन दिया। अभी हम लोगों ने हमारा बात जो सरकार तक पहुंचा दिया गया है, कई बार पहुंचा दिया है, कई बार रक्षा मंत्री से हमारा सैनिक संघर्ष कमेटी ने मिला है, जो हमारा निवेदन कल भी जा चुका है, जो उनके पास अभी तक उनका तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, या कोई नेशनल मीडिया भी नहीं आता है, जो हमारा कोई खबर भी नहीं लेता है, उसका कारण भी हमको पता है, वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्या कारण है, कारण ये है, देश का जो पूर्व सैनिक है वो लोग अगर रोड में बैठ जाता है, वो रोड में बैठा है तो अच्छा नहीं लगता सरकार को, बेइज्जती की बात है, तो सरकार उस जगह पर रोक लगाता है। लेकिन सरकार रोक लगाता है तो जो हमारा ऑफिसर भी उस पीछे रोक लगाता है, हमारे ऑफिसरों ने जी जान लगा कर रखा है इसको कैसे भी तोड़े, क्योंकि वो उनका भी एक एक ऐसे तरीका बना कर रखा है इसको तोड़ने का तरीका। लेकिन एक बात है, हम लोगों को इसमें ज़्यादा नफरी तो नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें भी कारण है, ज़्यादा नफरी इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है, मैं तो केरल का रहने वाला होने की वजह से मैं बता रहा हूँ। अब केरल में सबसे ऐसे एक स्टेट है केरला, वहाँ तो एक्सर्विसमैन अगर जाता है तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नौकरी उनको नहीं मिलता, तो सिक्योरिटी गार्ड में अगर नौकरी कर रहा है तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड का जो प्रोपेटर जो होता है वो सेना का अधिकारी होता है। अब सेना का अधिकारी इसके विरुद्ध है, अगर हमारा केरला से एक बंदा अगर यहाँ आना है तो उनको 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है, 3 दिन का आने के जाने का, 6 दिन का उसका ट्रेन सफ़र है, उसके बाद वो 1-2 दिन यहाँ बैठना है, तो फिर उसका 10 दिन तो उनको चले जाना है, वहाँ का 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलेंगे, अगर वो 10 दिन ले लिया तो उसको वो नौकरी भी खो बैठ जाएंगे, वो नौकरी उनको वापस नहीं रहेंगे, तो उनका रोजी रोटी छीना जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता इस चीज़ का। अगर उन्हीं के लिए कोई काम है, अगर अफसरों का कोई यहाँ कोई अनशन लगा दिया तो उसके लिए वो बताएंगे आप लोगों को हम पेमेंट भी दे देंगे, आपको हम खाना भी दे देंगे, आप चले जाओ, उनको यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है हमारा अधिकारी, हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमारा अधिकारी अपना ही
जो आर्थिक सुविधा लिया जा रहा है, यही हमारा ऊपर रोषा है। हमें उनको, अगर वो सेना पे पढ़े लिखे हैं, अगर उनको बेसिक पेंशन जितना भी बढ़ोतरी किया जाए सरकार ने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर उनका उसके पीछे उनको देने वाला डीए जितना भी उनको दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अलाउंस ऐसे होता है, अलाउंस जोकिंग अलाउंस होता है, उसको बराबर होना चाहिए ना। यूरोपियन राज्यों में तो वही करता है, तो हमारा सेना में क्यों, उसको उसके पीछे भी क्या भेदभाव है? उसके पीछे भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। जो हमारा जो अलाउंस जो है उसको पीछे वो सबको, अगर अगर देखो सरकार के पास 15,400 रुपये वो एमएसपी ऑफिसर को दे रहा है, हमको 5,200 दे रहा है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो 5,200 रुपये उसको भी दे दो। हम ये नहीं कह रहा हूँ हमको 15,400 दे, उनका उठा घटा के इसको ये कर दो ना, ये भी कर लो, ये भी तो कर सकता है। और जो 7th CPC जब आया था उसके सामने भी हमारे साथ में नया इंसाफ़ी हुआ, 2.57% जो फैक्ट में जो गवर्नमेंट ने स्काउट किया था, तो इन्होंने जो सेना अभी एक्टिव सेना जो है हमारा सर्विंग सेना का तीनों चीफ ने मना कर दिया, हम इस परसेंटेज से संतुष्ट नहीं, उन्होंने 7th CPC लेना मना कर दिया। तो एक डेढ़ साल तक उन्होंने खुद वो और उनका जेसी और जवानों को पुराना वही पुराना रेट का ही पेमेंट दिलाया। जे 5th Pay Commission का पेमेंट लेते रहा, मतलब 6th Pay Commission का पेमेंट लेते रहा, वो 7th CPC लेने में मना कर दिया। और उनका चर्चा चलने के बाद सरकार ने 2.81 फैक्ट में ऑफिसरों को पेंशन पेमेंट बढ़ा दिया और जवान को 2.57 ही रखा। लेकिन डेढ़ साल उनको इंतजार क्यों कराया? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा नफरी को निकाल के, हमारा नफरी हमारा परिवार सबको निकाल के सरकार के सामने रख के वो लड़ाई लड़ता है, उसके बाद वो अपना फ़ायदा उठा के चला जाता है। क्योंकि वो 3% होता है तो सरकार भी सोचता है ठीक है ये तो छोटा सा एक शंक है, इनको थोड़ा कुछ दे दो, उनको कुछ देने से भी ठीक है। अब हमको उसमें भी उन्होंने वंचित कर दिया गया। मतलब पे और अलाउंस हमारा कोई बच्चे नहीं है क्या? हम भी तो जो आशा लेके ही तो सेना के अंदर जाता है, हमारा भी तो परिवार है। हम सेना के अंदर एक सिपाही बन के या एक फौजी बन के हम नौकरी भी कर रहा है, तो हम अपना घर पे किसी के लिए बेटा भी है, हम अपना पत्नी के लिए पति भी तो है, हम अपने बच्चे के लिए बाप भी तो है, हम उसका कैसे देखभाल करूँ? हमारे पास कहाँ है इसके लिए टाइम? एजुकेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब जो रिटायरमेंट होने के बाद हम लोगों को बिल्कुल हमारा अफसरों का नाइंसाफी की वजह से, अफसरों ने जो गलत गाइड करने की वजह से हमको बाहर बैठना पड़ा। अगर आप लोगों की मांग सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? सरकार नहीं मानती तो हम इसी जगह पर बैठेंगे, अनशन में बैठ जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान का पूरा संगठन, जो सैनिक संगठन ने, जो जवान जेसीओ के संगठन ने खुद यहाँ 20 तारीख को आके यहाँ समर्थन देके गया है, जब बुलाएंगे हम आएंगे। और इस तरीके से आप कितने दिन बैठे रहेंगे? फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे जब अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? हम अनिश्चितकालीन बैठने का इरादा लिया हुआ है। अगर हमको खाना भी नहीं मिलता है, हमको अगर भूखा रहना पड़ेगा हम भूखा रहेंगे, अगर मरना है तो इधर मरेंगे, अगर हमारे ऊपर डोसर चलाना तो डोसर चलाइए, या हम लोगों का अगर मान लो हमारे ऊपर अभी कुछ भी करना चाहता है हमें करा दीजिए, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने इस देश की सेवा किया है, हमने कोई अन्याय नहीं किया। हम यहाँ अनशन में भी बैठेंगे, हम कोई मूर्ख बन के काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपना प्यार से ही हमारा काम हमारा सारची से मांगेंगे। इसमें ये तो नहीं कि जो है कि सेना के जवान जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हों, या इलेक्शन का टाइम आ रहा है 2000? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हम लोगों को कोई किसी राजनीति पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति पार्टी से, हम राजनीति पे नहीं है, हम पहले भी नहीं है, क्योंकि हम सेना में रहते टेम्परे में हम राजनीति के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ भी हम राजनीति के बारे में बात नहीं करता है, राजनीति समर्थन में नहीं है। ये तो अफवाह उठाने के लिए, जो 2024 में इलेक्शन आने वाला है और हमारा वो करने के लिए ये करने के लिए हमारा सेना का अधिकारी द्वारा ये अफवाह उठा के रखा है, वो हमारे इस टेंशन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है, उनको कोई चिंता नहीं है, चिंता हमको है। आपने सही बोला है, हम लोग कौन कहना देंगे, हमने को हम नौकरी तो करना पड़ेगा है? हम अपना नौकरी छोड़ के यहाँ तो नहीं बैठ सकता, लेकिन हम निर्णय ले लिया, हमको कोई रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता तो पूरा इन्होंने ही रोक लगा दिया, तो क्या करेंगे? अगर आर पार का लड़ाई यही हो गया, अभी इसके लिए मजबूर किया गया है हमारा सरकार ने, उनको शर्म आ रही है, इसलिए तो कोई जो नेशनल मीडिया इधर नहीं आ रहा है, यहाँ देखने के लिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको शर्म लग रहा है, उनको खुद ही पता है इसके पीछे क्या होंगे, क्योंकि वो देश को दिखाना नहीं चाहता, हमारा आईना को देश को दिखाना नहीं चाहता। हम सरकार से ये विनती कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमारा बात सुने, हमारा जितना भी जो निवेदन हमने सरकार के पास पहुँचा चुका है, राष्ट्रपति के पास भी है, रक्षा मंत्री के पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, हमारा उस निवेदन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको अच्छी सोल्यूशन ले लीजिए, उसके बाद हमारे पास समय है उसके लिए कि जो हमारे उधर हमारे लिए अगर वो बुला रहा है तो हम उधर पहुँचने के लिए भी तैयार है, फिर
हमारा मांग को पूरा करिए। यही हम सरकार से विनती कर रहा हूँ। जय हिंद।